की कोशिश करते हैं। पीछे की रोशनी ऐसी चकाचौंध कभी रही होगी उस जमाने में भी, और अब हम उस रोशनी को इस समय जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिस जमीन पर खड़े हैं इसका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के काल से है। अब आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये और कितना महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, उन पर हम चर्चा करें। हम आपको अब पहले ये बता दें कि हम खड़े कहाँ हैं। हम खड़े हैं सोनपुर मेला के स्थान पर। सोनपुर मेला, आप सभी को पता है कि सोनपुर मेला का स्थान कितना बड़ा है और कई सौ सालों से ये सोनपुर मेला इसी तरह से लगता रहा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अब इसको लेकर हम एक बातचीत कर सकते हैं कि आखिर हमारे जितने भी रिवाज हैं, जितने भी बड़े उत्सव हैं, जितने भी बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उन सब का संबंध कैसे है, किस तरह से हमारे धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं, जिस कैंप, आपको लग रहा होगा कि एक पंडाल की तरह सजा हुआ है ये, तो कुछ तो वजह है इस पर और आखिर क्यों ऐसे सजावट की गई है, ये इन तमाम चीज़ों पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल तो हम आपको ये बता दें कि ये सोनपुर मेला है जिसका संबंध ईसा पूर्व 400 साल से है और अभी हम, आप सबको पता है, 2023 में हैं। 2023 में है, मतलब तकरीबन आप समझ लें कि 2400 साल पुराने इतिहास को हम अगर आज जीना चाहें, जिसका सीधा संबंध अगर कहीं किसी चीज से है तो वो इस स्थान से है, इस सोनपुर मेला से है। तो इस मिट्टी पर जब आप पैर रखते हैं तो आप इतिहास को जीते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ रिपोर्टर हैं चंदन और गौतम, इन दोनों से हम चर्चा करेंगे। पहले गौतम हमारे साथ आएंगे। गौतम, ये बताइए कि सोनपुर मेला, इसकी अपनी एक चमक है। बिल्कुल। और हालांकि ये पशु व्यापार मेला है, मगर इसमें जो दिलचस्पी है आम लोगों की, इतनी खास क्यों है? बिल्कुल, ये जो दिलचस्पी है सोनपुर मेला के नाम से ही जो जहन में पहली तस्वीर आती है वो ये कि एशिया का इतना सबसे बड़ा पशु मेला जहाँ हर तरीके के पशु उपलब्ध होते हैं, दूसरा मनोरंजन का सबसे बड़ा केंद्र, इवन कि बॉलीवुड में भी इसकी झलक देखने को मिली है। और न सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे, उसको रिवील नहीं करना चाह रहे हैं अभी इसको, लेकिन जैसे ही मनोरंजन की बात आती है तो लगता है कि पूरी रात कोई कैसे काट सकता है। बिना सोए पूरी रात काटना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। बात खास ये है इसमें कि पूरी पूरी रात यहाँ मनोरंजन की रात सजती थी। ये पशु व्यापार मेला के अतिरिक्त या उसकी साइडलाइट्स होती थी, लेकिन आने वाले दिनों में या बाद के वर्षों में इसका महत्व बहुत बढ़ गया। बिल्कुल, और जिस रोशनी में हम और आप अभी खड़े हैं, ये रोशनी थोड़े ही देर में जगमगा जाएगी, गुलजार हो जाएगा और पूरा इलाका सोनपुर का और आसपास का मनोरंजन से भरा पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस गंडक नदी के किनारे लोग सिहरन महसूस करते हैं सूर्य अस्त के बाद से, वहाँ एक ऐसा जलवा, एक ऐसा अद्भुत नजारा जो कह सकते हैं कि पूरी एशिया को झकझोर देता है और अपनी ओर खींचे चला आता है। तो ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है पूरे एशिया के लिए। बिल्कुल, हम समझने की कोशिश करेंगे, और भी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। हम गौतम हमारे साथ रहेंगे, चंदन से भी हम समझेंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसके जुड़े हुए हैं। आज हम सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सामने, आने वाले दिनों में आप इस मेला की कुछ और भी तस्वीरें देखेंगे, जो तस्वीर बहुत ज़बरदस्त होगी और हम उम्मीद करते हैं कि उन तस्वीरों को देखकर आपको और ज़्यादा खुशी होगी या आप इतिहास को और अधिक नज़दीक से महसूस करेंगे। तो सोनपुर आने का मतलब है इतिहास को जीना, सोनपुर आने का मतलब है मनोरंजन की उस सीमा को छूना जहाँ पर दिन और रात का फर्क मिट जाता था। हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं,
किस पंडाल में खड़े हैं और उसका अपना क्या महत्व है। यहाँ जो आयोजक जुड़े हुए हैं उन सब से हम बातचीत करेंगे और पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो पंडाल है वो कौन सा पंडाल है, पहले उसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें फिर आप समझेंगे इसके महत्व को। तो ये है पंडाल, अब आप इसको देखें, ये पंडाल है, आप देखिए ये है गुलाब विकास थिएटर। अब ये गुलाब कौन है, गुलाब कौन थी, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। गुलाब थिएटर का क्या महत्व है, सोनपुर मेला से अगर कुछ जुड़ा है, कोई नाम बड़ा जुड़ा है तो वो है गुलाब बाई। उनके गाए हुए गीत लोगों के जहन में रहते थे, कई कई वर्षों तक रहते थे और एक समय सोनपुर मेला उनके नाम के साथ भी जाना जाता था। ये वर्षों पहले की कहानी है, फिर वो किंवदंतियाँ में बदली, किस किस तरह से वो बदली और क्या कुछ हुआ उसमें, ये अपने आप में एक इतिहास है। और जिसकी बात गौतम कर रहे थे, गौतम आप जिस फिल्म की बात कर रहे थे उसकी चर्चा आप ही करें क्योंकि आपने शुरुआत की थी। सर उस समय तो मैं बहुत छोटा रहूँगा, लेकिन जो चर्चाएँ लगातार होती रहती थी कि अगर इस कार्तिक के महीने में जैसे ही शुरुआत होती है उसके बाद सोनपुर मेला जाना है, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए सिर्फ और सिर्फ एक ही जहन में आता था गुलाब थिएटर कि गुलाब थिएटर। और गुलाब थिएटर का अगर हम पुराना इतिहास देखें तो राज कपूर साहब जो इतने बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज के कह सकते हैं कि प्रेरणादायक रहे हैं, एक लैंडमार्क है राजकुमार, उन्होंने सोनपुर मेला से इन चीज़ों को अपने फिल्मों में डाला। एक्चुअल वो कहानी ये है इसमें कि फणीश्वरनाथ रेणु की किताब थी तीसरी कदम, उनकी कहानी थी जिस पर फिल्म बनी थी तीसरी कसम, उसमें हालांकि दूसरे मेले का जिक्र है लेकिन जो किरदार उठाया गया था वो गुलाब बाई से इंस्पायर्ड था और वहीं से वो पूरी कहानी बनती है। तो हम जो इस गुलाब विकास थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे बारी बारी से। आप आए, क्या क्या शुभ नाम हुआ आपका? आपके पीछे वो थिएटर भी दिखता रहे, आपका सेट भी तो और अच्छा लगेगा, आप इधर आ जाइए जी। क्या शुभ नाम? टुनटुन कुमार नाम हुआ। टुनटुन जी ये परंपरागत हम कह सकते हैं बहुत दिनों से चला आ रहा है। बहुत दिनों से, सदियों से चली आ रही है। हाँ सदियों से चली आ रही है। आप लोग किस तरह से इससे जुड़े हैं, आज का यूथ भी इससे जुड़ा हुआ है ये देखकर अच्छा लगता है। हम लोग तो शुरू से लगभग सारे लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना उसमें लगा हुआ है, परंपरागत रूप से आप जुड़े हुए हैं जी। आप मेरा नाम राजेश कुमार सिंह हुआ। राजेश जी अब लेकिन अब तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन आ गए, क्या आकर्षण अभी भी है इसमें? जिसे मनोरंजन ऑन पर्दा ज़्यादा है मीडिया में, लाइव मनोरंजन बहुत सारा कम है, यहाँ लाइव मनोरंजन। अच्छा फ्रंट इन फ्रंट। हाँ इनका कहने का मतलब कि प्रत्यक्ष मनोरंजन करने वाले लोग नहीं है, अब लोग पर्दे पर देख रहे हैं, लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं लेकिन सामने मनोरंजन। हाँ यहाँ पे सामने लाइव मनोरंजन होता है। लेकिन ये आप भी हैं इससे जुड़े हुए, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार यादव हुआ। मनोज जी आप कब से जुड़े हुए इससे? 92 से। तो ये अब एक सवाल जरूर उठता है, जब भी सोनपुर के थिएटर की बात होती है तो अक्सर अखबारों में या खबरों में ये बात आती है कि कुछ अश्लीलता परोसी गई या कुछ इस तरह से, कैसे बचाते हैं आप अपने थिएटर को? जैसे अश्लीलता का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि प्रशासन द्वारा यहाँ पे कंप्लीट रूप में 6 से 8 सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और उनके जो मजिस्ट्रेट हैं हॉल के मजिस्ट्रेट वो भी रहते हैं, वो भी लगातार पूरा होल नाइट जब तक शो शुरू होता है उस शो खत्म होने तक वो लोग, तो अश्लीलता का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कुछ लोग बदनाम करते हैं, लाइव प्रोग्राम है ऐसे आप जनरली तौर पर लोग जाएंगे सिनेमा में जो देखेंगे उससे ज़्यादा अश्लीलता फिल्मों में है, लेकिन यहाँ इन लोग बदनाम किया हुआ है शुरू से, इसको एक समाज में गंदी नज़र से देखा जाता है
वो भावना अभी भी लोग के पास। क्या क्या इसकी एक वजह ये है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो क्लास है जिसका एंटरटेनमेंट आप लोग करते हैं वो क्लास लोअर क्लास है, और शायद इसलिए इस पर उंगलियां ज़्यादा उठती हैं। फिल्मों में आप हायर सोसाइटी को एंटरटेन करते हैं इसलिए वहाँ उंगलियां नहीं उठती, वहाँ वो फैशन हो जाता है। यहाँ चूंकि आप लोअर क्लास, जो लोअर इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं उनको आप एंटरटेन करते हैं इसलिए ज़्यादा सवाल। सही बात है, आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है। अगर यही चीज़ सिनेमा में चला गया तो कुछ नहीं है, और उससे ज़्यादा पर्दा में यहाँ पे दिखाया जाता है तो क्या, तो अश्लीलता तो यहाँ तो दंडाधिकारी हैं, सीसीटीवी कैमरा है, तो हम लोग अश्लीलता कहाँ से दिखवा देंगे। बिल्कुल सही है। तो अभी आपको आर्टिस्ट ढूंढने में कितनी मुश्किल होती है? आर्टिस्ट में मुश्किल नहीं होती है, उन लोग के जो ब्रोकर होते हैं वो लोग हमसे कॉन्टेक्ट में रहते हैं, चाहे हम लोग भी उनको कॉन्टेक्ट में करते हैं, वो बातचीत हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम आता है सॉल्व करके आर्टिस्ट आ जाते हैं। तो मेला कब से शुरू हो रहा है? मेला तो कल से शुरू हो रहा है। तो देखिए कल से मेला शुरू हो रहा है और चारों तरफ आप तैयारियां देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से काम चल रहा है यहाँ पे। और अब एक बड़ा सवाल जरूर है, अब देखेंगे इसके ठीक पीछे चांद भी, चांद को भी हम शायद आपको दिखा पा रहे होंगे, बेहद खूबसूरत नज़ारा है ये, गंडक के तट पर ये सब कुछ हो रहा है सोनपुर मेला। और हमेशा की तरह यहाँ पर अब कई सारे मंच सज चुके हैं, तो अमूमन कितने आर्टिस्ट अभी तक इस पूरे मेला में होते हैं? सभी सब थिएटर में जो है ना अपना अपना लोग अपना रखता है, ठीक है। हम लोग के थिएटर में लगभग 150+ मतलब नृत्यांगना रहेंगी, 150+ कोशिश में है कि उतना। तो ओवरऑल मेला में कितना होते होंगे? ओवरऑल हमारे 400-500 के 500 आर्टिस्ट करें। तो मतलब ये है कि ये आयोजन आपको जिस भी रूप में दिखता हो, ये ज़रूर है कि इस आयोजन से लोग संबद्ध बहुत हैं, लोग जुड़े हुए बहुत हैं, और यही वजह है कि आप देखें कि अगर आप मेला में जो लोग हैं अभी से आप देख रहे हैं यूथ यहाँ पे घूम रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग, हालांकि मेले की शुरुआत नहीं हुई है अभी, हर तरफ स्टेज सज रहे हैं। हमारे ठीक बगल में इंडिया थिएटर हमको दिख रहा है, ये गुलाब विकास थिएटर है इसके बाद भी, और बिल्कुल एक ही अंदाज में सब सजा हुआ है। इसके अलावा फूड स्टॉल्स बहुत हैं। तो चंदन हमसे बात करेंगे, चंदन ये लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें इसको तो कितना मुश्किल आयोजन है पुलिस के लिए? जी देखिए बिल्कुल, ये चूँकि मुख्यालय स्तर से यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की जाती है, और चूँकि यहाँ के लिए फोर्स जो है यह सारण जिला हो गया, वैशाली जिला हो गया और पटना जिला, तमाम तीनों जगह से यहाँ पुलिस बल होती है, और अस्थायी थाना भी बनाया जाता है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो, मजिस्ट्रेट भी रहते हैं, तो तमाम व्यूज जो है वो होती है, और जितने भी थिएटर चल रहे हैं वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती होती है। जैसा कि एडीजी गंगवार ने साफ तौर पर कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम होगा मेले में, और सीसीटीवी कैमरे भी लगाई जाएगी ताकि किसी तरह की शरारती तत्व जो है वो शरारत न कर सके। चले तो ये बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस मेले में अगर आप सोनपुर में आते हैं, लेकिन हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि ये एक खास क्लास के मनोरंजन का केंद्र बन गया है, और मनोरंजन का केंद्र आजकल का नहीं है, वर्षों से है, हम अगर युगों कहें तो ज़्यादा, तो 2400 साल पुरानी परंपरा को हम किस तरह से जी रहे